हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा रंदेस स्मार्ट आर्ट। आज बनाएंगे टोटली डिफरेंट रेसिपी और स्पेशली बच्चों के लिए, और ये है मैंगो वर्मिसली कस्टर्ड। बहुत ही टेस्टी बनता है, इतना यमी आप एक बार बनाओगे और हर रोज डिमांड होगी। सो इसे डेजर्ट की तरह भी ले सकते हैं। सो आइए बनाना शुरू करते हैं मैंगो वर्मिसली कस्टर्ड। मैंगो वर्मिसली कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबलस्पून कस्टर्ड और इसी के साथ मिल्क। ख्याल रहे कि जो दूध है वो ठंडा होना चाहिए। सो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल भी कोई एयर बबल्स नहीं, कुछ नहीं। अब एक पैन लेंगे जिसमें कि हमने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, तो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके मेल्ट होने के साथ ही इसमें डालेंगे वर्मिसली, और ये वर्मिसली ऑलमोस्ट 1/2 कप है, और इसे अच्छे से घी में भून लेना है। वर्मिसली भून चुकी हैं और इसी के साथ डालेंगे 4 कप दूध, और ये फुल फैट मिल्क है। सो अब हमने इसे पकने देना है 4 से 5 मिनट के लिए, और इसे लगातार चलाते रहेंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीके से पकेंगे। वर्मिसली पक चुकी हैं और अब बारी है शुगर। इसमें शुगर ऐड करेंगे, हमने वर्मिसली भी 1/2 कप ली थी और शुगर भी 1/2 कप है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर के मेल्ट होने के साथ ही अब इसमें डालेंगे कस्टर्ड और मिल्क जो हमने सबसे पहले मिक्स करके रखा था। जल्दी से उसे मिक्स करना है और आंच को धीमे कर देना है, और अच्छे से मिलाना है। इसे कंटिन्यूसली चलाना है क्योंकि कस्टर्ड है, इसके लम्स नहीं बनने चाहिए, और इसका जो गाढ़ापन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हमें चाहिए वैसा ही होना चाहिए। सो बहुत ही डिलीशियस बनेगा और बच्चे एक बार खाएंगे तो उनका फेवरेट बन जाएगा। इसके साथ ही डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। सो पिस्टेशियो है और उसके साथ है एलमंड्स, बाकी जो भी आपको पसंद हो वो डाल लो, लेकिन सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने, कुछ हमने सेव करके रखने हैं क्योंकि बाद में हमें गार्निश के लिए चाहिए। एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को करेंगे बंद। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे हमने इसे ठंडा कर लिया है, और इसमें मिक्स करेंगे इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर डालने के साथ ही मेन इंग्रेडिएंट, और वो है मैंगो पल्प। जो मैंगो है इसका पल्प ठंडा होने पे ही मिक्स करना है, अगर गर्म में मिक्स करेंगे तो आपको पता है कि मैंगो खट्टा होता है, और हम मिल्क में मिक्स कर रहे हैं तो ये ख़राब हो सकता है। सो मिक्स करते ही हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चली है, और अब हमने इसे ट्रांसफ़र करना है एक बाउल के अंदर। सो बाउल में डालते ही हम इसे करेंगे चिल्ड, एकदम ठंडा, और उसके लिए हमें इसे रखना पड़ेगा फ्रिज में, और फ्रिज में रखेंगे ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद ये एकदम चिल्ड हो चुके हैं, और अब हमने इसे सर्व करना है, और सर्व करने के लिए हमने लिए हैं ग्लासेस। सो इसे ग्लासेस के अंदर डालेंगे। ग्लासेस में डालने के बाद अब हमने इसे गार्निश करना है, और हम इसे गार्निश कर रहे हैं कुछ पीसेस मैंगो, स्लाइसेस ऑफ मैंगोस, छोटे पीसेस में हमने इसे काट रखा है, और इसी के साथ अब गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने फाइनली चॉप किया है, और इट्स रेडी टू सर्व। सो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी थी। सो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू।